नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। रामनगरी को सजाना योगी और मोदी सरकार का सपना माना जाता है। काशी को भी पीएम मोदी ने पूरी तरह सजा दिया है, जिससे काशी का हर एक कोना शिवमय हो गया है। ठीक काशी की ही तर्ज पर प्रभु श्री राम की नगरी में भी कॉरिडोर बनेगा, ताकि अयोध्या का कोना कोना बोल सके जय श्री राम। इस रिपोर्ट में देखिए। योगी सरकार ने आज कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया है। अब अयोध्या में भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर रामनगरी में कॉरिडोर बनेगा। हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर के चारों तरफ से कॉरिडोर बनाया जाएगा। अयोध्या में भव्य और दिव्य कॉरिडोर होगा। सरकार ने अब तक अयोध्या में हजारों करोड़ रुपए अलग अलग कामों के लिए दिए हैं, लेकिन अब कैबिनेट की मोहर के बाद अयोध्या में कॉरिडोर होगा, जो विश्व स्तरीय कॉरिडोर होगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने अपनी कार्य योजना भी तैयार कर ली है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि जल्द ही हम अयोध्या को त्रेता युग वाली रामनगरी बनाएंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी का सपना है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं। वैसे तो सरकार अयोध्या धाम में राम एयरपोर्ट के साथ साथ अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी राम मंदिर के नक्शे जैसा बना रही है। अयोध्या राम मंदिर के आसपास सड़क मार्ग का निर्माण व सौंदर्यीकरण होगा। राम मंदिर के मुख्य मार्ग पर सारी नगरीय सुविधाओं के साथ मॉडल सिटी के तौर विकसित होगा। उन्होंने बताया कि राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज हो या फिर सरायू नदी का विवरण, एक के बाद एक योजनाएं सरकार अयोध्या में लागू कर रही है। लेकिन अब राम कॉरिडोर की घोषणा और कैबिनेट की मोहर के बाद अयोध्या को विश्व स्तरीय बनाने को लेकर योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। बता दें कि लोक भवन में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान 13 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। 11 नगर पंचायत नगर पालिका परिषद की सीमा विस्तार संबंधी नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नगर पंचायतों के गठन व वस्तीकरण के प्रस्ताव को पास किया गया है। वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार होगा। रामनगर नगर पालिका परिषद को इसमें सहमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के अंतर्गत मास्टर प्लान बनाए जाएंगे, जनप्रतिनिधियों की सलाह ली जाएगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।